अरे दोस्तों, आज हम बात करा रहे हैं उत्तराखंड की भर्ती परीक्षाओं को लेकर एक न्यू अपडेट के बारे में, जिसमें यहाँ पर योगी त्रिपाठी ने आज ही यहाँ पर लेटेस्ट न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है संशोधित कैलेंडर को लेकर। और इसमें जो है बेरोजगारों के लिए एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो है बैड न्यूज़ कह सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है आपको बैड न्यूज़ ही मिल रहा है आजकल योगी त्रिपाठी की ओर से। तो यहाँ पर एक न्यू अपडेट जान लेते हैं क्या यहाँ पर कहा गया है और क्या चेंजेस यहाँ पर कर दिया गया है आयोग के द्वारा। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज की डेट में यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 22/4/2022 को एक नोटिफिकेशन यहाँ जारी किया है संवाद 212 के द्वारा। इसमें यहाँ पर आयोग की परीक्षा कार्यक्रम, तो यहाँ पर देखते हैं परीक्षा कैलेंडर को लेकर यहाँ पर एक न्यूज जारी किया गया है। प्रिय अभ्यर्थियों, अवगत कराना है कि आयोग द्वारा यहाँ पर जो संख्या आपका विज्ञापन संख्या 54/2022 दिनांक 8/4/2022 के द्वारा यहाँ पर जो है संवाद 208 और यहाँ पर जो है विषय आयोग का जो है परीक्षा कार्यक्रम जो आपका निकाला गया था विज्ञापन परीक्षा कैलेंडर, उसमें जारी किया गया था आपका परीक्षा कैलेंडर को लेकर। और उक्त संवाद के साथ यहाँ पर जो है प्रस्तावित परीक्षा का जो कार्यक्रम है वर्ष 2022 का जो है संलग्न किया गया था, ऐसा में बताया गया है। प्रस्तावित परीक्षा जो कि प्रस्तावित परीक्षा है आपका कार्यक्रम के क्रम में जो है क्रम संख्या अगर 4 अगर आप लोग देखोगे उसमें यहाँ पर मानचित्रकार है, प्रारूपकार है और सर्वेयर की पोस्ट है। ठीक है, तीन पोस्ट का जो है परीक्षा होनी थी आपकी चौथे नंबर की, अगर आप लोगों ने देखा होगा मेरे ख्याल से अगस्त में हो शायद परीक्षा उसकी। और उसमें यही कहा रखा है कि सर्वेयर जो है त्रुटिवश जो है अंकित हो गया, तो गलती से यहाँ पर जो है त्रुटिवश सर्वेयर की पोस्ट भी उसमें कर दी गई है। और यहाँ पर कहा गया कि वन विभाग के अंतर्गत जो है रिक्त सर्वेयर के जो है 15 पदों का जो यहाँ पर है आयोग द्वारा यहाँ पर विज्ञप्ति से यहाँ पर निरस्त किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैड न्यूज ये है कि 15 पद जो है यहाँ पर जो सर्वेयर की पोस्ट थी अब वो भी निरस्त कर दिए गए हैं और उनकी परीक्षा अब आपकी नहीं होगी। तो यानी कि तीन पेपर होने थे आपके अलग अलग जो एक ही पोस्ट के होंगे वो, और उसमें से यहाँ पर जो है अब आपके मानचित्रकार प्रारूपकार का ही पेपर होगा, सर्वेयर की पोस्ट का जो फॉर्म भरा था आप लोगों ने उसका पेपर नहीं हो पाएगा। 15 पोस्ट जो है आपके हैं वो विभाग ने वापस ले ली है, उनको जो है निरस्त कर दिया गया है, ऐसा बताया गया है। और इस प्रकार जो है विज्ञापन संख्या जो 35 है योग्यता परीक्षा की 2021 की अंतर्गत वो मानचित्रकार प्रारूपकार के ही यहाँ पर जो है लिखित परीक्षा यहाँ पर प्रस्तावित समय पर जो है आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपकी सिर्फ अब जो है मानचित्रकार प्रारूपकार का जो ही पेपर आपका होगा, जो 15 पदों पर जो है आपके सर्वेयर की पोस्ट थी उनको निरस्त कर दिया गया है। इससे पहले आपके वन विभाग में 61 पद कर दिए गए हैं, वहाँ जो 64 पद जो है आपका यहाँ पर ठीक है सहकारिता विभाग के अंतर्गत कर दिया गया है, तो यहाँ इस सर्वेयर के करते हैं। तो लगातार जो है पदों को जो है वापस लिया जा रहा है विभाग की ओर से, सरकार की ओर से, तो इसी वजह से आयोग वापस कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते इस तक नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है आयोग ने। और जो परीक्षा कैलेंडर में उन्होंने डेट डाली थी उसकी, तो उसका पेपर नहीं होगा, ये संशोधन है इसमें देख सकते हैं।